जब गौचारण लीला कर रहे थे तो संत लोग वहां तपस्या कर रहे, भगवान के लिए भोग बनाया 56 भोग। तो भगवान ने देखा कि सुगंधी इतना अच्छा आ रहा है, यहाँ संत लोगों ने कुछ अच्छा पकवान बनाया है, ग्वाल वालों को आज्ञा दिया कि आप जाइए संत लोगों से खाना लेकर के आइए। संत लोगों ने मना कर दिया कि पहले भगवान का भोग लगाएंगे, उसके बाद में आप लोगों को प्रसाद दिए। अब भगवान तो अंतर्यामी थे, उन्होंने कहा कि मेरे लिए भोग लगा रहे हैं, मुझको खाना नहीं दे रहे हैं, संत लोग कैसे पास होंगे? अंदर आत्मा में परमात्मा नहीं है इनके में। तो भगवान ने बाल रूप बनाया, अंदर गए, भोग लगाया, संत लोगों ने कुमार झूठा भोजन मिला तो संत लोगों ने कहा कि खाने को तो खंडित कर दिया किसी ने। जब भगवान ने स्वयं वहाँ जा कर के दर्शन दिया है, आज भी वहाँ एक नाव है जो नीम करौली वाले बाबा के नाम से मशहूर है वृंदावन में। आगे आओ, करना है एक मैन आदमी पीछे रहेगा, कोई इधर उधर से निकल नहीं जाए, क्योंकि यहाँ खोया हुआ आदमी नाम को खोएगा तो समय जा करके मिलता है, नाम को खोजेंगे नहीं मिलेगा, और खोए मिले मिले नहीं मिले। अभी एक दो गाड़ी में खोया था सीतामढ़ी का, वो यहाँ से ट्रेन पकड़ के घर पहुंच गया और 2 दिन गाड़ी लेट करा दिया उसकी। इसलिए सब लोग प्रार्थना करिएगा, आगे मैं रहूँगा, मेरे धमकी का ध्यान रखना बस। बाबा आसन तब गावे बजावे लोग हाँ बिल्कुल पश्चिम जी जरा हाँ यहाँ कहिए कि भागवत कथा जे करे जे कहाँ करो यहाँ करे उन्हें कहाँ गए की भेज लो जे गोरा हाथ हो जे देखिए ये यहाँ भक्तरोड बिहारी का मंदिर है, यहाँ भगवान गौचारण लीला कर रहे थे, मैंने जो रास्ते में बताया था अभी जो है ना बता दिया है। पहले यमुना जी यहाँ तक विराजमान था, आज 1 किलोमीटर दूरी है। कहा जाता है जैसे जैसे पूरा कलयुग आएगा, ना तो गिरिराज जी रहेगा ना यमुना जी विलोप हो जाएगी। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर का दूरी है, पहले यहाँ तक यमुना जी बहता था, ये नाव यहाँ भगवान के टाइम का है, ये लीला मंदिर है। नीम करौली बाबा का आश्रम, देख दिया मर्यादित वस्त्र पहन कर दिया हाँ ये सब कुछ।
सुनाई पड़ेगा। जय बोलो गिरिराज भवन की, जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय यमुने महारानी की, जय। सभी लोग लंबा हाथ करो, मुख से बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ऐसी करो। देखिए अभी आप जिस मंदिर के अंदर में खड़े हुए हैं, ये पागल बाबा का मंदिर है। पागल बाबा का दूसरा नाम था लीलानंद ठाकुर। यहाँ पर केवल घाट उसका झोपड़ी था पहले। भगवान का दर्शन किया, शक्ति आया, सेठिया परिवार का एक आदमी राजस्थान का यहाँ दर्शन करने के लिए आया था। चमत्कार जब मिला देखने के लिए बाबा का, तो ट्रस्ट का आदमी बहुत जुड़ गया इनसे, तो ये आश्रम का निर्माण कराया। देखिए नीचे में बिजली घर, विद्युत लीला घर है, जो बिजली से चलने वाली मूर्तियाँ। दर्शन कैलाश पर्वत का जुर्माना लगता दान दो यहाँ। श्री नटखट कृष्ण चीरा दिलांतर
दर्शन। ये तो गेट है, ये भाई जो देख रही है गेट है, मंदिर इधर है देखो। राधे राधे।